बैक टू माय ट्यूब चैनल और ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम से और मुझे जाना है पार्लर, तो मैं पार्लर के लिए रेडी हो गई हूँ, निकल रही हूँ। ये पर्स ले लिया है मैंने और पार्लर जाने का मेरा काफ़ी दिन से टल रहा था, तो निकलते हैं पार्लर के लिए। और ब्लॉग आज का यहीं से शुरू हो रहा है शाम से, आज जो जो भी होता है शेयर करते हैं। अभी तो मार्केट जा रही हूँ, पास में ही है पार्लर, तो चलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो बाहर की लाइट जला दी है, अब पहन लेते हैं चप्पल कहाँ है और निकलते हैं। शाम हो गई है ज़्यादा, सारी लाइट्स ऑन कर दी है मैंने बाहर की और अब पहनते हैं, कर दी है मैंने, अब निकलते हैं। देखो फैन क्या मस्त ब्लू ब्लू हो रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देखो मेरे जो प्लांट्स थे ना फ्रेंड, ये सब खराब हो गए। मिष्टी कोचिंग से आ गई है, उसको जूस दे देते हैं। मिष्टी के लिए मार्केट गई थी ना, तो मैं भी जूस लेके आई थी। ये अब मिष्टी पिएगी जूस। ये दो मिस कॉल आए थे, वो हम पार्लर गए थे तब किए थे। आलू की सब्जी खाएंगे कि पनीर का? पनीर बनेगा मिष्टी के लिए और प्रिंस के लिए बनेगा चिली पनीर, और हम लोग खाएंगे नॉर्मल पनीर की सब्जी। तो मार्केट से आने के बाद ना मैं यहाँ पे खाना बनाने लग गई थी और यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ाई पनीर। तो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की है, इसलिए यहाँ पे शेयर नहीं किया। और ये मेरा लगभग बन ही गया था, और यहाँ पे लास्ट में देखिए जब पूरा बन गया तो मैंने इसमें घर की फ्रेश क्रीम डाल दी थी। और फिर यहाँ पे ना बच्चों के लिए मैं बना रही थी चिली पनीर, तो ये देखिए यहाँ पे ना पनीर को मैरिनेट करके छोड़ दिया था, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैदा डाल के फूड कलर के साथ, और फिर इसके बाद इसको फ्राई कर लिया था। मैरिनेट करके छोड़ने के बाद मैंने चॉपिंग कर ली थी शिमला मिर्च प्याज की, तब तक ये अच्छे से मैरिनेट भी हो गया था, और फिर फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के लिए ना मैंने इसको एक ही साथ सारे डाल दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थे पनीर, बच्चों के लिए बस बनाना था मुझे। ये देखिए यहाँ पे ना ये क्रिस्पी हो गए हैं अच्छे, इसके बाद इनको बाहर निकाल लेंगे तेल से। ये क्रिस्पी हो जाते हैं ना तभी अच्छा लगता है खाने में, तो इसको स्लो फ्लेम में ही क्रिस्पी करना पड़ेगा, ज़्यादा तेज़ कर देंगे ना तो ये ऊपर से जो कॉर्नफ्लोर है ना वो जलने लगेगा। इसके बाद ना इसमें मुझे तेल ज़्यादा लग रहा था, तो तेल उसका कम करके कढ़ाई का, और फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च प्याज और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। तो मुझे पहले ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट पहले डालना था तो मैं भूल गई, तो अब ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सब्जियों को किनारे करके, तो हो जाएगा ये भी फ्राई यहाँ पे। और जो प्याज और शिमला मिर्च है ना इनको ज़्यादा नहीं पकाना रहता है, अगर ज़्यादा भून जाएगा तो फिर इसका जो थोड़ा सा जो क्रिस्पी और कुरकुरापन होता है वो नहीं आएगा, ये थोड़ा सा कच्चा ही रखते हैं इसमें चिली पनीर में। इसके बाद मैंने इसमें एक ढक्कन डाल दिया था सोया सॉस, और चिली सॉस थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें, क्योंकि चिली पनीर है तो चिली तो होगी ही, उतनी ज़्यादा तीखी नहीं रहती है ये। मैंने इसमें हरी मिर्च इसीलिए नहीं डाली थी क्योंकि चिली सॉस मैंने डाल दिया, और ढेर सारा इसमें टोमेटो सॉस डालना था मुझे। और मेरे को ना यहाँ पे सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था देखने में, तो फिर मैंने ना इसमें दोबारा और ऐड किया था टोमेटो सॉस, यहाँ पनीर भी ऐड कर दिया था मैंने, फिर थोड़ा सा टोमेटो सॉस और डाल दिया मैंने। और सोया सॉस डालते तो हैं पर उसका जो कलर रहता है ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो टोमेटो सॉस डालने से थोड़ा सा कलर अच्छा आ गया। और मैंने ना इसमें पानी भी ऐड कर दिया क्योंकि बच्चों को ना इसके साथ रोटी के साथ खाना था ये, और पानी डालने से थोड़ा सा जो सोया सॉस का जो एक थोड़ा सा हार्ड सा अजीब सा टेस्ट आता है ना वो भी बैलेंस हो जाता है,
और थोड़ा देर इसको धीमी आंच में पका लूँगी, जिससे जो ये पनीर है और सभी में जो शिमला मिर्च है सभी में सॉस का जो टेस्ट है ना वो अच्छे से मर्ज हो जाए। फिर यहाँ पे ना मैंने रोटी सेकनी स्टार्ट कर दी थी, और मिष्टी देखिए अपने लिए खाना निकाल रही है यहाँ पे। और पार्लर से आने के बाद ना मुझे टाइम आज काफ़ी ज़्यादा हो गया था, पहले पार्लर से आने में लेट हुआ, उसके बाद यहाँ पे ना मैंने दो प्रकार की सब्जियाँ बनाई, उसमें भी फटाफट मैं रोटी सेक रही थी, तो मिष्टी को मैंने बोला आओ अपना खाना लेके जाओ, कोचिंग से आने के बाद उसको भूख भी लगी थी तो वो अपना खाना निकाल रही थी, और यहाँ पर रोटी भी मेरी सिक रही हैं। ये सैटरडे का व्लॉग है फ्रेंड्स, व्लॉग आने में काफ़ी लेट हो गया उसके लिए सॉरी। और इसमें ना इस दिन मेरा वीकेंड जो था पूरा ऐसे ही बिजी गया, क्योंकि वीकेंड के दिन ऐसा होता है ना, मुझे लगता है पता नहीं मेरे साथ है या सभी के साथ है, कि कहीं बाहर जाने की इच्छा होने लगती है। तो यहाँ पे ना तो थाली लगा दी है इनकी, इनको खाना दे देते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और आज है संडे, और जो कल का रात का व्लॉग था ना उसी को मैंने कंटिन्यू किया है। मिष्टी कोचिंग जा चुकी है, आज संडे को भी ना उसकी एक्स्ट्रा क्लास थी, तो किचन में हूँ मैं, यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, लेट हो रहा है मुझे। तो यहाँ पे ना किचन में आ गई थी, संडे सुबह की टाइम की है ये वीडियो, तो आप सोच रहे होंगे कि किचन में ही है, तो हाँ फ्रेंड्स मेरा ना सैटरडे और संडे बहुत ही बेकार गया। बेकार क्या ये कह सकते हैं कि पूरे टाइम कुकिंग में ही गया। आपने इसके पहले देखा सैटरडे को भी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी, और संडे भी मेरा ऐसा ही चला गया, बाहर जाने का प्लान था पर नहीं हो पाया, मिष्टी की पढ़ाई भी रहती है और थोड़ा सा हस्बैंड को भी काम था, तो सैटरडे और संडे पूरा टाइम कुछ किचन में ही बीता, इसलिए आप मुझे किचन में ही पाएंगे इस व्लॉग में। तो यहाँ पे ना मैंने सैटरडे को रात में मैंने दाल भिगा दी थी, दो तीन टाइप की दाल को मिक्स करके मैंने भिगा दिया था, क्योंकि मुझे ना इसकी दाल की ना छोटी छोटी भजिया जैसी बना के और उसकी सब्जी बनानी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसका नाश्ता भी हो जाएगा। और ये देखिए बेटे के लिए यहाँ पे मैं ना सूजी भिगा रही हूँ, सूजी दही में भिगाऊंगी और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, उसको खाने हैं सूजी वाली इडली। तो मैं क्या करती हूँ इडली बना के और उसको ना चार पीस में कट करके और फ्राई कर देती हूँ, तो वो अच्छी टेस्ट उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने इसको सूजी को भिगा के रख दूँगी और दाल भी पीस लिया है मैंने। तो देखिए यहाँ पे भी आप ये देखेंगे, आपने रात के व्लॉग में भी देखा दो तरह के खाना बना था, यहाँ देखिए ब्रेकफास्ट भी दो टाइप का ही बन रहा है, क्योंकि मेरे बच्चों के बहुत ज़्यादा नखरे हैं, वो ये जो दाल की मैं सब्जी बनाने के लिए बना रही हूँ ना जो, तो उसकी जो मुंगौड़ी जैसे बनाऊँगी वो बच्चे नहीं खाएँगे, मिष्टी तो वो भी नहीं खाएगी, बेटा तो खा लेगा इडली और हम लोग खा लेंगे ये, इसी की बाकी सब्जी भी बन जाएगी। मिष्टी तो कोचिंग जा चुकी है तो वो आएगी तो सीधे खाना ही खाएगी, और मेरे को ना यहाँ पे सूजी कम लग रही थी तो फिर मैंने और सूजी ऐड कर दी इसमें। यहाँ पे ना मैं टमाटर की चटनी पीसने लगी थी, कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दिया था, तो यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है जब तक मेरी ये चटनी पीस जाएगी। मुझे चटनी अच्छी लगती है सब चीज़ों के साथ, भजिया है, दाल की पकौड़ी है, मुंगौड़ी है, इन सब के साथ टमाटर की चटनी ज़्यादा पसंद है, थोड़ा स्पाइसी हो हरी मिर्च वाली तो और मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे ना इसको मिक्स कर लूँगी, अच्छे से फिट जाती है ना तो सॉफ्ट बनती है, और मुझे स्पेशली सब्जी बनाना है ना तो सॉफ्ट रहेगी ना तो सब्जी में फिर अच्छे से उसके अंदर रस वगैरह भर जाता है, क्योंकि मुझे मसाला पीस के रस वाली सब्जी भी बनानी है इसी की। और ये वीकेंड के दिन किचन में बिल्कुल मन नहीं लगता है, मन लगता है लेकिन हाँ अगर कहीं प्लान बन जाता है ना कि शाम को चलेंगे तो सुबह भी एनर्जी आ जाती है फ्रेंड्स की, चलो अभी फटाफट कर लेते हैं, शाम को तो जाना ही है, मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा ही होता है।
मुझे ऐसा लगता है वीकेंड आने के एक दिन पहले से लगने लगता है कि अरे सैटरडे आने वाला, संडे आने वाला है, कुछ प्लान करते हैं, कहीं जाएंगे कहीं जाएंगे, ऐसा मन में चलने लगता है। और अगर वहाँ ना जाने मिले ना तो मूड भी अपसेट हो जाता है फ्रेंड्स मेरा। तो यहाँ पे ना मैं इसको फ्राई करने लगी थी और हस्बैंड से मैंने बोला था कि कहीं चलें, तो क्या हुआ सैटरडे भी हमारा ऐसे ही निकल गया। सैटरडे को शाम को भी कहीं नहीं जा पाए और संडे को भी ना अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है क्योंकि कुछ काम है और मिष्टी की भी क्लासेस चल रही हैं इस समय एक्स्ट्रा, तो उसको भी ज़्यादा टाइम पढ़ाई में देना पड़ रहा है, तो शायद कहीं ना जाना पड़े, ना हो पाए कहीं जाना, यही चल रहा है हम लोगों का। तो बस ये आज आपको मेरे व्लॉग में ना सिर्फ किचन 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 देखने मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ये भी एक अलग ही मज़ा है इसका भी, प्लीज़ इंजॉय कर लीजिएगा मेरे साथ इस व्लॉग को भी। हाँ तो किचन से ही स्टार्ट हुआ था और किचन में ही ये व्लॉग ख़त्म भी होने वाला। वीडियो आने में एक दिन लेट हो गया फ्रेंड, सॉरी इसके लिए। सैटरडे एंड संडे दोनों का व्लॉग है। और मेरे साथ क्या हुआ था ना, मंडे को मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा मुझे बॉडी पेन हो रहा था, तो इस वजह से ना वीडियो एडिट नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने सोचा चलो दोनों को एक ही दिन डाल देते हैं, इसलिए फिर मैंने इस व्लॉग को सैटरडे एंड संडे मिला के एक ही व्लॉग बना दिया। तो यहाँ पे देखिए ये फ्राई हो गई थी, तो फिर इसको मैं निकाल ले रही हूँ यहाँ पे, और उसमें ना थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो जाता है फ्राई चीज़ों में ना, तो हस्बैंड को पसंद नहीं है बिल्कुल भी ऑयली चीज़ें। तो फिर मैं टिश्यू पेपर में निकाल रही थी कि थोड़ा सा तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें। हाँ ये कि बारिश वगैरह जब होती ना तो ऐसी चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं, पर हमारे एरिया में ना बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है गाइस। आपके यहाँ हो रही है कि नहीं बताइएगा ज़रूर, पर हमारे यहाँ तो बहुत ही गर्मी और उमस वाला मौसम हो रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पे चाय पीने बैठ गए थे नाश्ते के बाद, ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा चाय पी ली जाए, तो हम लोग चाय पी रहे थे और उसके बाद फिर वापस किचन में आ गई थी। तुरंत का व्लॉग नहीं है, वीडियो नहीं है। चाय पीने के बाद हम लोग एक घंटे तक कम से कम रेस्ट किए, थोड़ा सा टीवी देखे, फिर उसके बाद लंच की तैयारी की मैंने। तो खाना सिंपल ही बनाया था, दाल चावल ही खाना था इनको, क्योंकि फ्राई चीज़ें खा लेने के बाद उतना ज़्यादा इच्छा नहीं पड़ती। और यहाँ पे ये इडली भी बन गई थी बेटे के लिए, बेटा सो के उठ गया था तो उसको इडली देनी थी, तो फिर मैंने यहाँ पे इडली भी बना ली। और बाजू में देखिए कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी थी फ्राई करने के लिए। इडली रेडी हो गई थी, इसको ना कढ़ाई जो चढ़ाई मैंने उसमें मीठी नीम और वाइट वाली जो तिल होती है ना उससे फ्राई कर लूँगी। सरसों भी कभी कभी डाल देती हूँ, पर बेटे को सरसों उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ तिल ही और हरी मिर्च और कड़ी पत्ते से फ्राई करूँगी। कड़ी पत्ता जो है ना मेरे छत पे ही लगा है, तो काफ़ी आसानी हो जाती है, पहले से तोड़ के स्टोर नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि घर पे ही लगा है तो जो फ्रेश की बात ही अलग होती है। फ्रेश फ्रेश तोड़ के लाओ और तुरंत फ्राई करो ना, उसका जो मीठी नीम का फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा आता है, रखे रह जाने के बाद ना वो टेस्ट नहीं आता है। पर हाँ जिसके पास नहीं अवेलेबल होता है तो उनको तो स्टोर करके रखना ही पड़ता है। और इस समय ना मेरी मीठी नीम के जो पेड़ है ना वो ग्रो भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो मैं रेगुलर उससे लेती रहती हूँ पत्तियाँ, लेकिन उसके बाद भी ना वो उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ चल रही है ना कि मुझे तोड़ने में लगता तो है छत से कि, लेकिन हाँ लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी है। और ये देखिए थोड़ी सी ना मैं इडली निकाल रही हूँ, डाल तो दिया था मैंने पूरी, क्योंकि जो बेटी है ना उसको बिना फ्राई अच्छी लगती है, तो आने वाली थी तो मन नहीं हुआ, मैंने सोचा चलो रख देते हैं, हो सकता है एक दो इडली खा ले वो भी। तो यहाँ पे ये फ्राई हो गई थी और बेटे को ना सॉस के साथ पसंद है, तो उसको मैं यहाँ पर सर्व कर दूँगी सॉस के साथ। और उसकी भी छुट्टियाँ देखते देखते ख़त्म होने वाली है, बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो भी घर में मेहमान बन के आते हैं। आप लोग के साथ है कि ऐसा बताना किसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे होंगे वो मुझे अपने साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो आता है ना तो फिर उस मेहमान ही है समझ लीजिए। बच्चे बड़े भी जाते हैं तो वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं,
और लगता है कि आए हैं तो जो जो उनको खाना हो खिला दें बना के। फिर उसके बाद तो वो हॉस्टल में रहना है तो फिर बाहर का खाना तो पता ही है फ्रेंड्स, आप सबको भी बाहर का ही होता है। तो लेकिन वो इस समय क्या है, वो जिम जाने का उसको इतना ज़्यादा शौक लगा है ना कि वो डाइट कॉन्शियस हो गया है। तो ये ज़्यादातर बस मुझे घर में ये इडली ही बनाती हूँ फ्राई, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा नहीं रहता है। और फिर लंच हो गया था हम लोगों का और ये लेके आए थे मैंगो, तो मैंने इसको कुछ देर के लिए पानी में भिगा के रख दिया था। और फिर इसके बाद ना इसको कट करके खाएंगे हम लोग बैठ के। और ये देखिए बर्तन कितने ज़्यादा स्टोर हो गए। जब कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं ना तो फिर ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, खाना सिंपल खाना बनाओ तो बर्तन इतने ज़्यादा नहीं भिड़ते, लेकिन अगर कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ें फ्राई करने वाली या इडली वगैरह स्पेशली बनाओ तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन स्टोर हो जाते हैं। तो ये सब बाद में मैं क्लीन करूँगी किचन वगैरह को, और पहले तो बैठ के थोड़ा सुकून से बैठ के हम लोग आम खाएंगे, क्योंकि आम मेरा बहुत फेवरेट है। और ये ऐसा फल है कि शायद ही कोई होगा जो बोले कि आम पसंद नहीं है। तो फिर हम दोनों ने बैठ के आम खाए, बच्चे नहीं खा रहे थे, हम दोनों ने बैठ के खाया आम। और फिर ना ये वाला जो व्लॉग था ना फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबा भी हो रहा था। तो फिर इसके बाद बीच में ना हम लोग रेस्ट करने चले गए, तो उसके बाद और कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया। फिर ये जो मुंगौड़ी रखी थी ना, इसी की सब्ज़ी मुझे बनानी थी शाम को, तो ये शाम का व्लॉग है। शाम को मैं इसकी सब्ज़ी बना रही थी, और देखिए ये मसाले वाली सब्ज़ी है। इसमें ना सिंपल सब्ज़ी रहती है ये, इसमें टमाटर वगैरह नहीं डलता है। इसमें टमाटर अगर डाल देंगे ना तो जो मसाला और जो दाल की जो सब्ज़ी रहती है उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए इसमें ना सिर्फ गरम मसाले से प्याज के और लहसुन के साथ पीस के गरम रेगुलर गरम मसाले डाल के ये सब्ज़ी बनती है। और इसमें लास्ट में फिर जो भजिया जैसे बना के रखा था मैंने, वो लास्ट में डालते, नहीं तो अगर शुरू से डाल देंगे ना तो वो सारे रसे को सोख कर लेगी और सब्ज़ी सूखी सूखी हो जाएगी। और ये एक ऐसी सब्ज़ी है ना कि इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ये होता है, लास्ट में मैं इसमें 1 से 2 चम्मच घी ज़रूर डालती हूँ। जी हाँ फ्रेंड, घी सब्ज़ी में, ये सब्ज़ी में टमाटर नहीं डलता और घी डलता है ना तो इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप चाहेंगे ना तो फिर मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरह मेरा सैटरडे और संडे चला गया फ्रेंड किचन किचन में। पसंद आया होगा ना वीडियो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना फ्रेंड तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ना मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।